खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं हूं मीसा पटेल और आप देख रहे हैं खबर 7C न्यूज चैनल। आइए देखते हैं मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र अपना दल यस के लोकसभा प्रभारी रामलखन पटेल से कार्यों और परियोजना के बारे में हमारे संवाददाता आशीष सिंह की खास बातचीत। नमस्कार, खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम चलते हैं मिर्जापुर। मिर्जापुर में हमारे साथ में संगठन के मंत्री जी हैं, उनसे हम परिचय करवाते हुए यहाँ के मिर्जापुर की संगठन अपना दल यस का किस तरीके से चल रहा है उनसे हम सीधे मुलाकात करवाते हैं। आइए सर, परिचय बताइए। हमारा परिचय, रामलखन पटेल, युवा मंच के राष्ट्रीय सचिव जी। हम मिर्जापुर लोकसभा के संगठन प्रभारी हैं जी। जी जी, तो रामलखन पटेल जी, बताइए कि आप जो है मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी हैं, तो संगठन का कार्य यहाँ से, अभी चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, आगामी लोकसभा 2019 का चुनाव अभी कुछ एक दो महीने ही शायद रह गए हैं, घोषणा जल्द ही हो जाएगी, तो इसको लेके संगठन का कार्य आप किस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, संगठन के बारे में हम कहना चाहेंगे कि वैसे हमारे मंत्री जी हैं जी। जी, मंत्री जी ने वैसे तो देश लेवल पर नेता के रूप में इनको देखा जा रहा है जी। मंत्री जी ने मिर्जापुर ज़िले के लिए, लोकसभा के लिए इतना सारा काम किया है जी। बड़े बड़े काम जैसे मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, चारों तरफ से सड़कें, मतलब मिर्जापुर का आज लेवल देखा जाए तो जैसे बनारस और इलाहाबाद के लेवल का मिर्जापुर ज़िला हो चुका है जी। इसलिए हमें संगठन की जो जिम्मेदारी मंत्री जी की तरफ से मिली है, हमने संगठन को देखा कि हमारे 2089 बूथ हैं मिर्जापुर लोकसभा में जी। इसमें देखा कि मुझे बहुत आसानी से संगठन बनाने में बहुत आसान रहा और हम जा कर के अपने पूरे ज़िले में हर बूथों पर जा कर के बूथ अध्यक्ष, बूथ सचिव, नव कार्यकारिणी सदस्य, हमको बहुत आसानी से बनाने में बहुत आसानी पैदा हुई। इसलिए आसानी कि हमारी मंत्री जी ने मिर्जापुर के लिए बहुत कुछ किया जी। और बताइए कि मिर्जापुर के लिए जो बहुत बड़ा काम हुआ, थोड़ा उसके बारे में हमारे खबर 7C चैनल के माध्यम से आप बता दें कि मिर्जापुर में जो बहुत बड़े बड़े काम हुए, जैसे चुनार किले को लेके भी अभी ये हुआ कि अभी फिल्म सिटी हो रही है, तो और इससे बड़े बड़े काम के बारे में थोड़ा आप बताइए। आपको बताना चाहेंगे कि अब मेडिकल कॉलेज, जैसे कि जनपद मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज हुआ, केंद्रीय विद्यालय हुआ, जो सड़कें आपके बीच में 2 लेन थी वो 4 लेन हुई, जो 1 लेन थी वो 2 लेन हुई, चारों तरफ से जहां हम देखते थे कि हमें 2.5-3 घंटे सड़कों पे यात्रा करनी पड़ती थी, अब उसको हम आसानी से 30-40 मिनट में यात्रा पूरी कर लिया करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बाढ़ सागर योजना है, वो हमारे मंत्री जी के तरफ से दी गई। इसके बाद तमाम हमारे ये भाई महिला चिकित्सालय के बीच में वहाँ 16 करोड़ रुपए से बनाया गया 100 बेड का अस्पताल, जिसमें निशुल्क सेवा है और जैसे दिल्ली के एम्स जैसी व्यवस्था वहाँ पर दी गई है। ऐसे बहुत बड़े बड़े काम मिर्जापुर जी। एक और अंतिम सवाल रामलखन पटेल जी आपसे कि जैसे अभी 2019 का चुनाव एकदम नज़दीक है समझिए, तो अभी सपा बसपा का गठबंधन है इस बार, इस गठबंधन से ये पार पाने के लिए इस तरीके से आपने क्या प्लान बनाया? देखिए, हमारा सबसे मेन उद्देश्य है कि हमारे संगठन मजबूत होने चाहिए जी। और मेरे संगठन हम बूथ स्तर पे पूर्ण रूप से मजबूत कर लिए हैं जी। हम पूरी जिम्मेदारी जो मेरी है लोकसभा मिर्जापुर की, लोकसभा मिर्जापुर में हम माननीय मंत्री जी को पूर्ण रूप से जितवाएंगे और वो चुनाव जीतेंगे और अच्छी वोटों से चुनाव जीतेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खबर 7C न्यूज़ चैनल के साथ आशीष कुमार सिंह, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश।